नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। और इस टॉपिक में पिछली क्लास में हमने समझा है कि वाक्य क्या होता है और उसके उसके हमने समझ लिया है कि उसके अंग कौन कौन से हैं, अवयव कौन कौन से हैं, ठीक है ना, उसमें तत्व कौन कौन से होने चाहिए। आज हम बात करेंगे वाक्यों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो वाक्यों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करेंगे वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो हम देख लेंगे रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है, वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य। सेकंड नंबर हो जाएगा क्रिया के आधार पर वाक्य, ठीक है, क्रिया के आधार पर। और थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा, थर्ड नंबर हो जाएगा अर्थ के आधार पर। तो ये तीन आधारों पर हम देखेंगे कि वाक्य के किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। फर्स्ट हमारा है रचना के आधार पर। तो हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल वाक्य, सरल भी कह सकते हैं या साधारण भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या होता है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस है ये। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जहां पर एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। या सिंपल भाषा में कर्ता को उद्देश्य कह सकते हैं और क्रिया को विधेय कह सकते हैं साधारण भाषा में, ठीक है। तो जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो, जैसे हम समझेंगे, जैसे मैंने लिखा कि सीता बाजार जाती है, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा। तो यहां पर मैं देखूंगा कि किसके लिए कहा जा रहा है, सीता के बारे में कहा जा रहा है, ये उद्देश्य हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाजार जाती है वो, ये इसका विधेय हो गया। तो इस सेंटेंस में एक उद्देश्य है एक विधेय है, इसलिए ये सरल वाक्य है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है, ठीक है ना। तो जयपुर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना, तो जयपुर के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये उद्देश्य है। क्या कहा जा रहा है कि वो राजस्थान की राजधानी है, तो ये विधेय है। तो इस प्रकार से एक उद्देश्य एक विधेय, ठीक है ना, बीच में कहीं रुकावट नहीं है, तो ये सरल वाक्य हो गया, ठीक है। अगर यहां पर हम देखेंगे यदि मैंने यहां लिखा कि मोहन राकेश बाजार जाते हैं, ठीक है, मोहन राकेश बाजार जाते हैं, तो यहां पर मोहन और राकेश दो उद्देश्य हो गए, ठीक है, दो उद्देश्य हो गए यहां पर।
और क्या काम करते हैं, एक ही काम कर रहे हैं, विधेय तो एक ही है, एक विधेय है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं कि मोहन बाजार जाता है, बाजार जाता है, खरीदता है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, मोहन, मोहन क्या है, उद्देश्य, एक उद्देश्य है, और बाजार जाता है, खरीदता है, दो विधेय हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, एक उद्देश्य है लेकिन विधेय दो है, काम दो हो रहे हैं, क्रियाएं दो हैं। और देखिए, यदि मैं लिखता हूं कि मीना टीना और रवीना बाजार जाती है, बाजार जाती है, खरीदारी करती है और नाश्ता करती है, यहां मैंने लिखा कि मीना टीना और रवीना तीन लोग आ गए, तीन उद्देश्य हो गए यहां पर। तो उद्देश्य यहां पर हो गए तीन, मैंने लिखा तीन उद्देश्य, और काम कितने हो रहे हैं, क्रिया कितनी है, बाजार जाना, खरीदारी करना और नाश्ता करना, तीन काम हो गए, तो मैंने लिख दूंगा तीन विधेय। तो यहां हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें लिखा है कि एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ही विधेय है, वो होता है सरल वाक्य। लेकिन ये जो तीन एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहां पर भी ये सरल वाक्य ही हैं। क्यों है, क्योंकि ये जो दो उद्देश्य हैं, मोहन और राकेश, ये दोनों का एक ग्रुप बन गया है और दोनों मिलाकर के एक उद्देश्य ही बन गया है, ठीक ना। ये दोनों ही एक बन चुके हैं, ठीक ना, ग्रुप हो गया है वहां पर। और तो एक उद्देश्य एक विधेय हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा मोहन एक ही उद्देश्य है कि बाजार भी जाता है और खरीदारी भी करता है, दो काम करता है, करता कौन है, एक ही है, काम करने वाला एक ही है, वही काम कर रहा है। तो ये ग्रुप बन गया, ये कामों का एक ग्रुप बन गया, विधेय का एक ग्रुप बन गया, ये इसलिए एक विधेय हो गया यहां पर। इसी प्रकार मीना टीना और रवीना तीनों काम कर रही है और तीनों जो करता है वो काम तीनों ही कर रहे हैं, यानी कि मीना जो है वो बाजार भी जा रही है, खरीदारी भी कर रही है, नाश्ता भी कर रही है। उसी प्रकार टीना भी बाजार जा रही है, खरीदारी भी कर रही है, नाश्ता भी कर रही है, और रवीना जो है वो भी बाजार जा रही है, खरीदारी कर रही है और नाश्ता भी कर रही है। इसलिए यहां पर तीन अलग अलग उद्देश्य नहीं है बल्कि ये तीनों का एक ग्रुप बन चुका है, ठीक है ना। तो उद्देश्य एक ही माना जाएगा, इसी प्रकार विधेय भी एक ही माना जाएगा। इस प्रकार की अगर स्थिति हो तो भी वहां पर क्या होता है, सरल वाक्य ही होता है, ठीक है। यहां पर ये विशेष बात हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो और मेन बात, मुख्य बात क्या है कि एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ठीक है। लेकिन अधिक उद्देश्य हो जाएंगे तो वो भी सेंटेंस एक ही रहेगा, सेंटेंस एक ही है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे और तीसरे प्रकार के वाक्य की। सरल वाक्य तो हमारे समझ में आ जाएगा, उसका जो फॉर्मेशन होगा उसको देखते ही हम पता लगा सकते हैं। बात हमको करनी है संयुक्त वाक्य के बारे में, कि संयुक्त वाक्य क्या है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जहां पर दो सरल या साधारण वाक्य जुड़े हुए हों, ठीक ना, जहां पर दो वाक्य जुड़े हुए हों
सरल वाक्य या साधारण वाक्य, ठीक है ना। जहां पर दो सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसी संयोजित होंगे किससे होंगे, संयोजक अव्यय से, संयोजक अव्यय से। जहां पर दो सरल या साधारण वाक्य किसी संयोजक अव्यय से संयोजित होते हैं, इसलिए उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक ना। संयोजक मतलब जोड़ने वाला, योजक, योजक मतलब जोड़ने वाला, या कह सकते हैं कंजक्शन। तो बीच में जो कंजक्शन हमको दिखेगा, ठीक है ना, कंजक्शन का मतलब है कि जैसे हमने लिखा परंतु, लेकिन, किंतु, ठीक है, तथा या और, ये इस प्रकार के जो शब्द आएंगे इन्हें कहते हैं हम संयोजक अव्यय, कंजक्शन कहते हैं। अगर ये किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं और उस सेंटेंस के इधर भी एक सेंटेंस होता है, उस शब्द के इधर भी एक सेंटेंस होता है, तो दो सेंटेंस होते हैं बीच में एक संयोजक अव्यय होता है, तो वो पूरा यहां से लेकर यहां तक एक संयुक्त वाक्य बन जाता है। किस प्रकार, समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मोनिका सुबह स्वाध्याय करती है, लेकिन लेकिन सोनिका, या कह सकते हैं मनीषा, शाम को पढ़ती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहां क्या है, दो सेंटेंस हैं, दो सरल वाक्य हैं। कौन कौन से, कि मोनिका सुबह स्वाध्याय करती है, यानी सेल्फ स्टडी करती है, ये एक प्रकार का सेंटेंस हो गया, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस है कि एक व्यक्ति है मोनिक, एक करता है, उद्देश्य है मोनिका, और ये हो गया उसका विधेय है, ये एक सरल सेंटेंस हो गया यहां से यहां तक। दूसरा सरल सेंटेंस कि मनीषा क्या करती है, शाम को पढ़ती है, ये इसका उद्देश्य है और ये इसका विधेय है। तो दो वाक्य हो गए, और दो वाक्यों के बीच में हमने क्या लिखा है, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, और, ये इस टाइप के जो शब्द होंगे वो बीच में जुड़ेंगे, बीच में आ जाते हैं, किसके, इन दोनों सेंटेंस के बीच में, ठीक है ना। तो जहां पर दो सरल वाक्य किसी संयोजक अव्यय से संयोजित होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और यहां पर हमको क्या ध्यान में रखना है कि दोनों सेंटेंस का अपना अलग महत्व है, दोनों सेंटेंस अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक सेंटेंस भी लिख देंगे तो भी दूसरे सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस प्रकार, समझते हैं। तीसरा सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा, तीसरा हमारा सेंटेंस जो होता है वो होता है मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में हमको डिफरेंस करना है, कैसे करेंगे समझिए। कि यहां पर एक उसका मुख्य उपवाक्य होता है, एक मुख्य उपवाक्य प्लस एकाधिक आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और उस पर आश्रित
एक से अधिक उपवाक्य हों, ठीक है ना। जिस वाक्य में मुख्य उपवाक्य तो कितने होंगे, मेन, मेन तो कितने होंगे, एक, एक उसका मेन होगा, और उसके ऊपर जो डिपेंड है, आश्रित मतलब डिपेंड है, डिपेंड कैसे, उनका अर्थ डिपेंड होगा इस पे। तो जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो, बाकी के एक आश्रित उपवाक्य हो, एक आश्रित भी हो सकता है, एक से ज्यादा आश्रित भी हो सकते हैं। तो जहां ऐसी स्थिति होती है वहां मिश्र या मिश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। किस प्रकार, समझिए, जैसे मैंने लिखा कि मोनिका सुबह स्वाध्याय करती है जबकि जबकि उसकी बहन बिल्कुल भी जबकि उसकी बहन शाम को पढ़ती है, ठीक है, उसका भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, तो ये तीन सेंटेंस हो गए। तो यहां इसकी संरचना को हमको समझना है, समझिए कि मोनिका सुबह स्वाध्याय करती है, ये एक सेंटेंस हो गया सरल वाक्य। दूसरा, उसकी बहन शाम को पढ़ती है, सेकंड सेंटेंस, उसका भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, तीसरा सेंटेंस। ये तीन सरल वाक्य हैं, और यहां हमको समझना है कि यहां पर क्या है, मोनिका सुबह स्वाध्याय करती है, ये क्या है, एक मुख्य उपवाक्य है, मेन है। मेन क्यों है, क्योंकि इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है, इस अर्थ पे ये बाकी के जो सेंटेंस हैं ये डिपेंड हैं। किस प्रकार डिपेंड है, समझिए कि मोनिका सुबह स्वाध्याय करती है, ठीक है, और उसके बाद में हम लिखा जबकि उसकी बहन शाम को पढ़ती है। मैंने लिखा यदि मैं खाली इसी को पढ़ूं कि उसकी बहन शाम को पढ़ती है, तो शाम को तो पढ़ती है लेकिन किसकी बहन, कौन, ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं लिखूं उसकी बहन शाम को पढ़ती है तो इसका अर्थ हमें क्लियर नहीं हो पाएगा कि किसकी बहन है, कौन है। तो ये जो सेंटेंस है वो डिपेंड है किस पर, इस फर्स्ट सेंटेंस पर, इस पर, उसकी बहन किसकी, मोनिका की, ठीक है ना, जो कि पढ़ती है। तो इसका अर्थ जो है वो डिपेंड है इस पर, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो आश्रित है और ये जो है सेंटेंस वो मुख्य उपवाक्य है। इसी प्रकार ये लिखा है उसका भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, उसका किसका, ठीक है ना, पता नहीं चल रहा है, सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है उसका अर्थ। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये भी क्या है, आश्रित है, डिपेंड है किस पर, पहले वाले पर, कौन से पर, यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो है वो सेंटेंस मुख्य उपवाक्य है, और यहां से यहां तक ये आश्रित है, यहां से यहां तक ये भी आश्रित है। तो यहां पर एक मुख्य सेंटेंस है, बाकी दो उस पर डिपेंड उपवाक्य हैं, आश्रित उपवाक्य हैं। तो जहां पर एक मुख्य उपवाक्य हो और उस पर आश्रित एक से अधिक उपवाक्य हो तो उसे हम मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो सरल वाक्य तो हम समझ ही सकते हैं सहज रूप में, लेकिन संयुक्त में और मिश्र वाक्य में क्या डिफरेंस होगा, समझिए कि जहां पर दो सरल वाक्य होंगे लेकिन दोनों का सेम अर्थ होगा, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा, अगर एक सेंटेंस को हम हटा भी लेंगे तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो संयुक्त वाक्य है, और यहां पर ये संयोजक अव्यय होंगे। और मिश्र वाक्य में क्या होगा कि यहां पर एक मुख्य होगा बाकी के आश्रित होंगे, अगर मुख्य को हटा लेंगे
तो बाकी जो आश्रित बचेंगे उनका मीनिंग या अर्थ क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहां एक मुख्य होगा, बाकी के आश्रित होंगे, और इसमें जो बीच में जो वर्ड जो जुड़ जाएंगे जैसे होंगे जबकि, जबकि, ताकि, चूंकि, ठीक है, जबकि, ताकि, चूंकि, इसलिए, क्योंकि, ये जो वर्ड है ये यहां पर मिश्र वाक्य में आएंगे। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के वाक्य की, ठीक है, जो कि हमारा है तो ये हमने पढ़ लिया रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर तीन प्रकार के सेंटेंस हो चुके हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर क्रिया के आधार पर, तो क्रिया के आधार पर भी वाक्य जो है वो तीन प्रकार के हैं, ठीक है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनको हम वाच्य भी कह सकते हैं। क्रिया के आधार पर जो वाक्य है उसको हम वाच्य या वॉइस कह सकते हैं, वॉइस, ठीक है, जैसा हमने इंग्लिश में पढ़ा एक्टिव और पैसिव वॉइस। और हिंदी में जो है वो तीन प्रकार के वाच्य हैं, किस प्रकार, समझिए। पहला है कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य का मतलब है कि जहां जिस सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता हो, मेन रोल किसका है, कर्ता का, सब्जेक्ट का, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट, उसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगी कर्ता की प्रधानता। और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, क्रिया कर्ता के अनुसार, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मैंने लिखा कि मोहन भोजन करता है, ठीक है, मोहन भोजन करता है, तो यहां बात किसकी हो रही है, मोहन की बात हो रही है कि मोहन करता है, ठीक है ना, भोजन की बात नहीं हो रही कि भोजन क्या है, बात हो रही कि मोहन करता है, तो ये कौन है, कर्ता, तो कर्ता की जिसमें जहां प्रधानता होगी उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसकी जो क्रिया होगी वो क्रिया किसके अनुसार, कर्म कर्ता के अनुसार होगी, कर्ता है, कर्ता क्या है, पुल्लिंग, ठीक है, मोहन क्या है, पुल्लिंग, तो जहां पर कर्ता भी पुल्लिंग हो क्रिया भी पुल्लिंग हो, या फिर इसको हम ऐसा समझेंगे, एक और एग्जांपल हम लिखेंगे, जैसे कि सीता भोजन करती है, ठीक है ना, तो सीता क्या है, स्त्रीलिंग, भोजन क्या है, करती है क्या है, स्त्रीलिंग, भोजन क्या है, पुल्लिंग, ठीक है ना, तो कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, जैसे आ जाएगा वे भोजन करते हैं, कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जैसे मैं लिखूंगा कि सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता क्या है, स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, ठीक है, और पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग, अगर मैं चेंज कर दूं इस सीता की जगह है तो हो जाएगा राम, राम क्या है, पुल्लिंग, और यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो ये भी हो जाएगा पुल्लिंग, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कर्ता की प्रधानता होती है, पहली बात, दूसरी बात क्या है कि जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार हम लिखते हैं, अगर वो पुल्लिंग है, अगर वो एकवचन है तो उसी के अनुसार हम क्रिया को लिखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार,
दूसरा है भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य में सॉरी दूसरे नंबर पे हम लिख लेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है समझिए, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता, ऑब्जेक्ट, और यहां पर जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी, क्रिया कर्म के अनुसार होगी। और उसके बाद यहां पर जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में लिखा होगा के द्वारा या फिर द्वारा या फिर से, ये शब्द लिखे हुए हमको मिलेंगे। समझिए कि राम के द्वारा खाना खाया जाता है, ठीक है, राम के द्वारा खाना खाया जाता है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, राम पुल्लिंग, ठीक है, ये क्या है, खाया जाता है, जाता है, जाता मतलब पुल्लिंग हो गया, खाना क्या है, भोजन भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अगर मैं राम के स्थान पर सीता कर दूं, सीता क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है, तो सीता के द्वारा भी खाना खाया जाता है। अब चेंज नहीं हुआ यहां पर, ये करता है स्त्रीलिंग लेकिन खाना खाया जाती है नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो होता है सेंटेंस, इसमें सीता के अनुसार चेंज नहीं हो रहा, कर्ता के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि खाने के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है ना। खाना क्या है, पुल्लिंग, कौन है ये, कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे कर्म वाच्य। और समझिए एग्जाम्पल, जैसे कि लिखा कि राम के द्वारा, मैं लिख रहा हूं कि सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती और है, सीता के द्वारा, सीता क्या है, स्त्रीलिंग, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग, पढ़ी जाती है क्या, स्त्रीलिंग। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, सीता की जगह राम कर दूं, कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाता है नहीं, ठीक है, तो ये राम क्या है, पुल्लिंग, लेकिन ये पढ़ी जाती है, क्रिया जो है वो राम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, बल्कि पुस्तक के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। पुस्तक क्या है, कर्म है, तो कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती है, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरा हमारा जो सेंटेंस होगा वो है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता और कर्म की कोई प्रधानता नहीं होती है, वहां केवल क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, क्रिया के भाव की प्रधानता, ठीक है। तो समझिए यहां पर, जैसे मैंने लिखा कि राम से हंसा नहीं जाता है, राम से हंसा नहीं जाता, तो राम क्या है, कर्ता, हंसा नहीं जाता है क्या है, क्रिया, कर्म कौन है यहां पर, ऑब्जेक्ट कौन है, कोई नहीं है, तो जहां पर कर्ता जिस सेंटेंस में हो लेकिन उसकी प्रधानता नहीं होती है, कर्ता की प्रधानता नहीं है यहां पर, किसकी बात हो रही है, राम से हंसा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जा रहा है, तो इस भाव की प्रधानता हो रही है, कर्ता की प्रधानता नहीं है, और कर्म, कर्म की अनुपस्थिति, कर्म तो है ही नहीं यहां पर, कर्म की एब्सेंस है, ऑब्जेक्ट की एब्सेंस है यहां पर, तो कर्म की अनुपस्थिति है, और क्रिया, तो यहां पर क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, ठीक है ना। तो दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं बनावट में, कर्मवाच्य और भाववाच्य,
दोनों सेंटेंस की बनावट सेम है, लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है, जैसे मैंने दो सेंटेंस लिखे कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या और मैं लिखूंगा राम से पढ़ा नहीं जाता है, नहीं जाता है। दो सेंटेंस मैंने लिखे। अब इसमें हमको समझना है कि दोनों का एक ही फॉर्मेशन है, एक ही तरीका है बनाने का, ठीक है ना, के द्वारा या के द्वारा, ठीक है ना। इसमें भी हम लिख सकते हैं के द्वारा, राम के द्वारा, ठीक है, इसमें भी यही हो रहा है, तरीका एक ही है, ठीक है ना। इसमें हमको समझना क्या है कि यहां पर हमको समझना है पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता है, ठीक है ना, या इस प्रकार हम कर सकते हैं इसको, पढ़ा जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों का सेम तरीका है लिखने का, अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक क्या है? कर्म। राम कौन है? कर्ता। पढ़ी जाती क्या है? क्रिया। तो जिसमें कर्म होता है वो हमारा हो जाएगा कर्म वाच्य, वो कर्म वाच्य होगा। और जिसमें कर्म नहीं होता है, जैसे कि राम कौन है? कर्ता। पढ़ा जाता है क्या है? क्रिया। तो जिसमें कर्म नहीं होता है, कर्म की अनुपस्थिति होती है, केवल क्रिया होती है, उस क्रिया का भाव ही प्रमुख होता है, तो उसे हम कहते हैं भाववाच्य। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा एक तो क्रिया के आधार पर वाक्य और एक रचना के आधार पर वाक्य। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। धन्यवाद।